गाइस, आज का टॉपिक तो पुराना है, बस थोड़ा सा अंदाज नया है। और जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एल्बमर ये डिवॉर्मिंग के लिए है। डिवॉर्मिंग बोले तो कीड़े मारने के लिए कबूतरों के, तो पेट के कीड़े मारने के लिए। ये इंटरनल यूज़ के लिए सिर्फ है, एक्सटर्नल के कुछ नहीं इसमें। और इसका डोज भी बताऊंगा, और लेकिन देने से पहले और देने के बाद की जो मेन प्रोसेस है वो ध्यान से कर रहा, क्योंकि अक्सर आपने देखा भी होगा और खुद क्या भी और दूसरे से सुना भी होगा कि डिवॉर्मिंग के बाद मेरे कबूतर सूत हो गए, मर गए, उल्टी कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी जो तो चीज़ें सुनी होंगी। तो डिवॉर्मिंग से सबसे पहले क्या करना है, डिवॉर्मिंग से 3 दिन पहले मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक ज़रूर दें, उसके बाद डिवॉर्मिंग का डोज दें। और डिवॉर्मिंग के 3 दिन बाद तक भी मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक ज़रूर दें। और अगर मल्टीविटामिन नहीं है, लीवर टॉनिक तो ज़रूर दें, और मल्टीविटामिन नहीं तो कोवाटेक्स और टेरामाइसिन दे देंगे, इसमें भी आपका कवर हो जाएगा। जैसे कोई कबूतर अगर सुस्त हो गया तो ये उसकी मतलब बाकी चीज़ें भी कवर कर लेगा। तो टेरामाइसिन और कोवाटेक्स मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, ये मतलब ऐसी दवाएँ हैं कि अगर इन दवाओं का अगर जैसे किसी और दवा के साथ अगर दिया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों को ये कवर कर सकती है। तो इसलिए और मल्टीविटामिन में वैसे भी कोवाटेक्स में भी कॉम्प्लेक्स है, और बाकी जो कुछ अगर हुआ तो वो तेरा मशीन उसे संभाल लेगा। विटामिन के लिए कोवाटेक्स हो गया। तो डिवॉर्मिंग देने से करने से पहले 3 दिन तक उन्हें रोज़ सुबह मल्टीविटामिन लीवर टॉनिक या फिर तेरा मशीन कोवाटेक्स और लीवर टॉनिक ज़रूर दें। और डोज तो बताई है आप लोगों को कि 20 कबूतर पे एक कोवाटेक्स और 25 एमजी पर कबूतर के हिसाब से तेरा मशीन का होना चाहिए। और ये डिवॉर्मिंग का जो डोज मैं बताऊंगा वो 50 कबूतर का है, और 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में 5 ml ये सस्पेंशन होगा। आप सिरिंज से या कोई भी चीज़ है जो आपके पास हो उससे आप अपना नाप लें 5 ml, और अगर कबूतर कम हो तो उसी हिसाब से डोज आप कम कर लें। और इसको 3 बार देना है। जैसे अगर आज दिया तो फिर 2-3 दिन बाद फिर देंगे, और इन जो 2-3 दिन का जो गैप होगा उसमें आप लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन चलाएंगे, और देने से पहले तो चलाएंगे ही। और आज दिया, उसके बाद जो 2-3 दिन अगर जैसे कबूतर आपके नॉर्मली दिखे तो आप 2 दिन बाद देंगे। कुछ के अगर हो सकता हो, अगर ज़्यादा सुस्त दिख रहे होंगे तो 3 दिन के बाद वो देंगे। उन 3 दिनों में वो लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन ज़रूर देंगे। और उसके बाद आज से 21वें दिन बाद, यानी कि पहले दिन से 21 दिन बाद, पहले दिन से तीसरे दिन, सॉरी 2 दिन छोड़ के, हाँ तीसरे दिन, पहले दिन से तीसरे दिन और पहले दिन से 21वें दिन, इस हिसाब से आप नाप लेंगे, दिन लेंगे। और ऐसा 3 दिन इसलिए दिया जाता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आज दिया, आज जो कीड़े रहेंगे आपको कल दोपहर तक के बीच में सब नज़र आ जाएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा कितने जो तो वॉर्म्स निकलते हैं। और जो पहली बार करेंगे तो वो तो खैर उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। और तीसरे दिन इसलिए करते हैं, जो आज की डोज में अगर छूट जाए तो वो तीसरे दिन निकलते हैं। और 21वें दिन इसलिए देते हैं कि जैसे अगर पेट में जो अंडे छूट जाते हैं वॉर्म्स के, तो 21वें दिन तक वो अंडे से बच्चे भी निकल आते हैं, तो 21वें दिन का डोज इसलिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों बेहतर से समझ में आ गया, लेकिन डोज देने से पहले और बाद में मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक ज़रूर चलाएं। और काफ़ी, हालांकि एल्बेंडाजोल थोड़ा हार्ड होता है, और आप चाहे अगर तो मेबेंडाजोल, फेबेंडाजोल, आयोरमेक्टिन भी है, और भी कई सारी कंपनी उसके अलग अलग हैं। तो वैसे मैंने इसके अलावा और भी यूज़ेस किया, लेकिन इतना असरदार नहीं था। हालांकि ये हार्ड ज़रूर है,
लेकिन अगर कबूतर को संभाल लिया जाए डिवॉर्म करने से पहले और बाद में, तो ये बेस्ट है मेरे लिए। गाइस एक और सबसे मेन पॉइंट ये है कि डिवॉर्मिंग उन्हीं कबूतरों का करें जो जिनके नीचे बच्चे ना हो, या फिर उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हों कि वो 30 दिन के आसपास हो, उनका आप कर सकते हैं। उन मादियों का ना करें जो अंडे देने वाली हो, आपको लगे कि 2 से 3 दिन के अंदर अंडे दे देगी, उनका ना करें। अगर हाँ अंडे दे चुकी है और अंडे देने के मतलब 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि अंडे देने के बाद 3 दिन के बाद अगर वो मादी उनका 3 दिन हो चुका है तो कर दें। और उनका ना करें जिनके बच्चे 3 से 4 दिन के अंदर फूटने वाले हों। अगर उन मादी का कर सकते हैं कि जो अंडे पे हैं लेकिन अंडे देने के मतलब वो 3 दिन हो चुके हों और बच्चे फूटने के अभी 3 दिन बाकी हों, उस दौरान उसके बीच में अगर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर अंडे देने वाली हो उसका ना करें, बच्चे फूटने वाले उसका ना करें, और बच्चे बहुत छोटे हों उसका ना करें। बच्चे कम से कम इतने बड़े हो जाए कि वो 28 से 30 दिन के आसपास हो जाए, बल्कि बेटर यही है कि 30-30 के ऊपर हो। तो गाइस यही सबसे मेन पॉइंट जो ध्यान रखने की है, वरना फिर यही होगा कि कबूतर सुस्त हो गए, टेढ़े हो गए, उल्टी कर रहा है, यही सब मेन पॉइंट है डिवॉर्मिंग का। और लीवर टॉनिक मल्टीविटामिन ज़रूर दें, अगर मल्टीविटामिन नहीं है तो फिर कोवाडेक्स और थेरामाइसिन ज़रूर दें। इसके अगर ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, पिजन एंड फाल्कनरी .blogspot.com करके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अपने ब्लॉग का एड्रेस। और भी कोई अगर कोई अगर जैसे क्वेरी हो तो उसे पूछ लीजिए, आपने क्लियर कर लीजिए। वैसे ब्लॉग पे मैंने डिटेल में लिख दिया हुआ हूँ, तो अगर जिसको ना समझ में आए तो वो ब्लॉग भी देख सकता है। और रही बात एक चीज़ और, वो ये कि सब्सक्राइबर बड़े कम है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अबव 87% नॉन सब्सक्राइबर वीडियोस को देख रहे, तो मैं उसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, इसके सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में होते सब्सक्राइब। काफ़ी लोग यही समझते हैं कि सब्सक्राइब करने से पैसे लगते हैं, जो पहली दूसरी बार जो यूट्यूब चला रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम था सब्सक्राइब होता क्या है, मैं दूसरे की क्या बात करूँ। तो इसलिए मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब से सिर्फ यही होता है कि उन्हें जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो उन्हें नोटिफिकेशन या फिर उनके इनबॉक्स में वो शो करने लगता है मेरा वीडियो, बस। तो और सब्सक्राइब अगर अच्छे से हुए तो मैं पॉक्स का तुकमे का इलाज भी बताऊँगा, उसका भी इलाज है तो काफ़ी हद तक वो भी कारगर है, और वो तभी मैं बताऊंगा जब तक लोग सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें। तो अगर इलाज चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि वे इस टाइम इंटरनल जो पॉक्स होते हैं उनका भी है मेरे पास ट्रीटमेंट, और जो एक्सटर्नल होते हैं चोच के आसपास जो होते हैं मुंह पे इधर उधर उसका भी है। तो भाई वो मैं वीडियोज़ तभी डालूँगा जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे। तो फिर चलता हूँ, फिर अब तो सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलूँगा, बाय।